अल्लाह ताला ने भी सिखाया, मेहमान का इज्जत करो, हमारे पैगंबर भी सिखाता है। हाँ जी, वेलकम टू कश्मीर। शुक्रिया सर, क्या बेच रहे हैं आप? ये देखिए सर, चिकन टिक्का। अरे बाबा रे, ये देखिए सर। हाँ जी, ये चिकन टिक्का है सर। हाँ जी सर। और ये देखिए, ये पनीर टिक्का, ये फिश टिक्का है, दिखाइए। ये देखिए, ओ हो 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 हो, अच्छा ये पनीर टिक्का है सर। पनीर भी वेज भी है? अरे जी गजब। हाँ, मशरूम भी होता है सर, अभी मशरूम टिक्का। आपको पहली बार यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फ्लोटिंग बारबेक्यू, जो सिर्फ देखने को मिलेगा आपको इंडिया कश्मीर के अंदर। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? कोयला खत्म हो गया इसका। अच्छा, कोयला डाल रहे हैं। कोयला डाल रहे हैं तो बारबेक्यू की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है यहाँ पे कश्मीर के अंदर। भाई 400 का चार है और पनीर का 300 का चार, दिखाइए जरा पास से। ये देखो चार, एक ये आपने पहले से मैरिनेशन कर रखा है? हाँ, ये सर मैरिनेशन करके होता है सर, ये घर से ही करके लाते हैं? घर से, अभी फिर बेचना ही होता है इसको। अच्छा, तो करके बताइए। एक प्लेट। हाँ जी, और पनीर का एक प्लेट। पनीर का एक प्लेट जी, थैंक यू सर। ये देखो भाई लाइव सर। हाँ जी, एक साथ बनाओ। हाँ जी, लाइव बारबेक्यू दिखा रहे हैं हम आज आपको, और कोई अगर वेजिटेरियन आता तो उसके लिए अलग से भी बनाए रखते हैं आप? हाँ, अलग से वो होता है सर, उसके लिए डंडी अलग होती है। पनीर अलग से होता है, देखो नीचे रखा है मैंने, ये पनीर अलग था। हाँ जी, और मटन अलग था, चिकन विकन अलग था। अच्छा, दो खाने इस अलमारी में, दो खाने हैं। हाँ जी, ऊपर की तरफ से ये नॉन वेज है सर। हाँ जी, और नीचे की तरफ ये देखो सर पनीर है। अच्छा, ये वेज है नीचे? ये वेज नीचे है, और अच्छा नीचे होता है। अच्छा, ये कमाल है, क्योंकि किसी को मतलब कोई वेज होता है वो बोलता है मैं नॉन वेज नहीं खाता, उसे अलग अलग रखा है। किसी का धर्म वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बेस्ट नहीं होना चाहिए, सबकी कदर करते हैं। बहुत बढ़िया, ये भाई यहाँ का बहुत अच्छा लगा देख के। सिर्फ खाना ही नहीं, यहाँ के लोग जो है दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। जितने भी लोगों से अभी तक मुलाकात हुई है सभी सब दिल के एकदम भाई एक नंबर है। वेज तो कम ही होता है, नॉन वेज तो ज्यादा चलता है। अच्छा, यहाँ के लोग भी नॉन वेज ज्यादा खाते हैं और वेज मतलब कम ही खाते हैं, टूरिस्ट लोग ज्यादा खाते होंगे वेज। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये देखा है कि दिल्ली में जो चिकन का थोड़ा सा अलग गोश्त होता है, यहाँ का थोड़ा गोश्त हार्ड होता है जितना मैंने अभी तक खाया, तो ऐसा क्यों है? ये हार्ड इसलिए होता है कि ये फ्रेश होता है। अच्छा, फ्रेश में थोड़ा अगर फिर मैरिनेट करेगा ना। हाँ जी, मतलब एक दिन में रखेगा उसको, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मसाला वसाला डाल के। ओके, इसलिए आपको हार्ड लगता है। कोई हमसे कह रहे कि वो मुर्गों को ठंड लग जाती है तो इसलिए वो कुकड़ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, ऐसा नहीं है भाई। भाई लाइव बारबेक्यू शायद हमने अपने घरों पे ही करा होगा, या कहीं पे रुक के कहीं पे, या किसी होटल में करा होगा, पर हाँ आज आप देख रहे होंगे डल लेक के अंदर, लेक के अंदर आप भाई बारबेक्यू, कितनी बेहतरीन बात है, बहुत अमेजिंग। हम प्यार से जनाब खिलाते हैं। हाँ जी, प्यार मिलाते हैं इस पे, इसलिए मजा आता ज्यादा कस्टमर को। अच्छा, खाने में? खाने में मजा आता ज्यादा सर। अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट तो यही है, बाकी मसाले तो हर कोई जानता है। हर कोई तो जानता है, मगर ये तो यहाँ से प्यार से बनाता है सर। बिल्कुल जी, यहाँ जो बाहर आता है, बाहर का लोग जो आता है इधर कस्टमर, हमसे प्यार से खिलाते हैं क्योंकि उसका कदर करते हैं। बिल्कुल जी, रोजी रोटी चल जाना चाहिए सर। सही बात है जी, बहुत बढ़िया। इसलिए ज्यादा हम प्यार करते हैं क्योंकि हमारा रोजी रोटी का सवाल होता है सर। अल्लाह ताला ने भी सिखाया, मेहमान का इज्जत करो, हमारे पैगंबर भी सिखाता है। हाँ जी, बाहर का जो कोई भी मतलब मेहमान आए उसका कदर करो। बिल्कुल जी, सही है, प्यार से ही खिलाते सर, प्यार से ही उसको मतलब मजा आता है। ये देखो भाई, पास से देख लीजिए जरा, कितने मस्त मस्त लग रहे हैं भाई। ये देखो कुरकुरा हो रहा है। हां हां हां, गजब गाइस, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, पूरा समुंदर बाहर आ रहा है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि भाई मेरे को नजारे के साथ खाने में ना जो खाने का स्वाद होता है वो ट्रिपल ट्रिपल चुगना हो जाता है भाई मेरे लिए। अब आ रहा है हमारा गर्मा गर्म चिकन टिक्का। ओहो तेरी, ये देखिए जी, तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? वो भी आए आपके पास, खाए और मजे लीजिए, मजे ले। हाँ सर, लोगों को रिक्वेस्ट है कि आए कश्मीर एक बार घूम के, ये बारबेक्यू खा के जाए। बिल्कुल स्पेशल स्पेशल सर, स्पेशल आई है बारबेक्यू खाने के लिए यहाँ पे। अगर आप खाने का शौक रखते हैं, कुछ अलग खाने का शौक रखते हैं, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, मस्ट विजिट। तो चिकन टिक्का हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, बढ़िया तरीके से मसालेदार बनाया गया है, और आपको इस तरीके से पता लग जाएगा जो चिकन है कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है गाइस, ये देखो पार से रेशे रेशे अलग हो रहे हैं इसके, तो अब इसको भी टेस्ट करते हैं इनकी दोनों बढ़िया चटनी के साथ। और जैसा कि बताया, वैसे पांच चटनियां होती हैं, थोड़ा अभी टूरिस्ट कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी पांच चटनी इन्होंने नहीं बनाई, वरना इन फ्लेवर्स की भरमार है, प्यार की भरमार है, जैसे कि मैं फिर से कहूंगा। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिंग आपको मतलब खाने के लिए जगह मिलेंगी, पर
ऐसा नहीं है कि हर किसी का अच्छा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले मैंने एक जगह और ट्राई करा, वहाँ का मुझे थोड़ा इतना पसंद नहीं आया, पर हाँ यहाँ पे इनके स्वाद में बहुत दम है। जो मुँह में खाने के बाद भी मुँह में स्वाद रह गया ना, फ्लेवर्स रह गए, वो बहुत अमेजिंग आ रहे हैं। ठीक है,